द स्ट्रीमिंग वर्ल्ड की अब शोज़ बनते हैं और सीज़न वाले शोज़ बनते हैं और अमूमा uh, टाइम लगता ही है बट हाँ इसमें चूंकि ये इतना ज़्यादा uh, एक अक्लेम मिल गया था इसे कि उसके बाद लिखने में और सोचने में बहुत uh, बहुत प्रेशर भी था और उसको मीट करते करते और फिर बीच में लाइफ ऑल्सो हैपेंड तो उसके बीच में आई थिंक वी हैड टू गेट इट राइट एंड हम लोग बातें करते थे uh, अब एक बार बात करते कि जब जब भी भी बनाएंगे तो बोलता था जब भी बने दे रहे हैं, हैं तो I think वही हमने कोशिश करी ये करने की कि थोड़ा थोड़ा अपना बेस्ट दे करके इसे लेकर आते हैं And that is why थोड़ा सा टाइम लग गया बट आई थिंक आई होप हमारे लिए भी सब्र का फल मीठा हो <coughs> वेल, ट्रेलर मैंने देखा है तो जरूर मैं कहना मीठा होगा, और फैंस तो काफी खुश होंगे

चीज़ों से जाती है तो सब लोग चेंज हो जाते हैं आप चेंज होना चाहते हो नहीं चाहते हो उसके बावजूद आप चेंज हो जाते हो तो वो चेंज कंपनी में आ गया कंपनी छोटी थी तो बड़ी हो गई प्रॉब्लम भी छोटी से बड़ी हो गई और सब कैरेक्टर्स भी बहुत इंटरेस्टिंगली आई थिंक प्रोग्रेसिवली बदल गए हैं बट मुझे ऐसा लगता है कि अब अभय का किरदार मंडल जो है उसका प्रोग्रेशन बहुत इंटरेस्टिंग है आप जब देखोगे और हमने इस पर काफी डिस्कशन भी किया था क्योंकि जैसे जैसे आपकी टाइम uh, होता है कंपनी का एज होता है आपका खुद का एज होता है तो हमने उस कैरेक्टर्स के थ्रू दिखाया है hmm. और उसमें मंडल का किरदार एक्चुअली uh, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं बिकॉज वो एक बहुत उसने सबसे ज़्यादा एक डिफरेंट शेप लिया है और आई थिंक अभय भी बहुत एक्साइटेड hmm. और नर्वस दोनों हैं हम कि मतलब hmm. कैसे लोग बिकॉज ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ़ द मोस्ट लव्ड एंड एफेबल कैरेक्टर इन द लास्ट सीजन और उसको एक डिफरेंट राह पे ले जाना

आई थिंक जब मैं टेलीविजन कर रही थी मैंने एक पॉइंट पे टेलीविज़न करना छोड़ दिया था तो उस टाइम पे यू नो दे वर डूइंग व्हाट दे वर डूइंग और यू नो उस टाइम पे भी ये होप थी कि ऐसा कुछ करना है यू नो दिस इज़ व्हाट यू नो यू वांट टू डू समथिंग लाइक दिस बट सो आई वाज थ्रिल्ड आई मीन अभी भी आई विस्ट आई मैसेज अरना कुछ दिन पहले कि ये तो हो गया अब क्या इज लाइक नो 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 हो गया स्टिल डूइंग प्रमोशन लाइक नो मुझे सेट पे रहना है आप लोगों के साथ आई वॉन्ट टू डू दैट यू नो सो आई 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 विल से दिस माई सेल्फ दैट आई आई एम ग्रीडी फॉर फॉर दिस एंड आई एम ग्रीडी फॉर वर्किंग विद टीम्स लाइक दिस और जो इनकी टीम है जो तरीका है इनका काम करने का वो दिखाई देता है यू you नो know, जब आप, आप इस शो को अपना बनाते हैं एज एन ऑडियंस इट्स बिकॉज ये लोग एक टीम की तरह काम करते हैं सो आई मीन ऑफकोर्स इनिशियली वैन आई वॉन्ट टू डू इट द रीज़न वॉज कि जो दिख रहा है वो बहुत अमेजिंग है और लग रहा है कि बहुत यू नो बहुत अच्छे से काम होता है बट वंस यू स्टार्ट वर्किंग विद दैम यू रियलाइज कि कैसे काम होता है एंड डेफिनेटली बाकी लोगों से बहुत अलग तरीके से काम होता है सो आई एम एक्चुअली आई फील वेरी ब्लेस्ड नो नो लाइक आई एम नॉट सेइंग बिग वर्ड्स हियर बट आई रियली फील ब्लेस्ड कि मैं आ गई हूँ यहाँ पे अब मैं नहीं जाने दूंगी अपने आम आई एम लाइक

ऐसा है जो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता है हाँ मतलब he thinks about his team which I like वो well, first let the main I'll be the last no okay <laughs> uh, what do I like about my character I like वो एक boss boss lady है एक go getter है एक you know she is very clear and very firm in what she does and how she does things Um, एक fine balance है of heart and mind

बट हाँ आई थिंक जिस तरह से कहानी जब मैंने सोची थी और उसके बाद विश्वपति सरकार ने बहुत शेप किया था ये कैरेक्टर आई थिंक सीजन वन जब उन्होंने लिखा था तो आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ हाउ ही सॉ द कैरेक्टर ऑफ योगेंद्र तो उन्होंने बहुत एक उसमें एक एक इनोसेंस और एक एनर्जी डाली थी और फिर मैं जस्ट एज अ एज एन एक्टर आई आई कुड ट्राई एंड डू इट तो मुझे लगता है कि वो एक इनोसेंस कम कम्बाइंड विथ एनर्जी इज़ नाइस आई थिंक आई लाइक टू ऑल्सो एड की बिकॉज मतलब आई स्टार्ट थिंकिंग ऑफ द स्टोरी तो मुझे लगता है कि वाइल ऑल द कैरेक्टर्स आर डिफरेंट बट दे आर ऑल सेम इन ऑल्सो वेरी कोहर एंड फैशन दैट दे ऑल आर ड्रीमर्स प्राचीज कैरेक्टर विच इज रिदीज कैरेक्टर इज ऑल्सो अ ड्रीमर एंड ऑल्सो दैट्स वेरी यूनिक बिकॉज हमने इस तरह का कैरेक्टर आई थिंक इंडियन कॉन्टेंट में शायद हमने हम यही डिस्कस करे थे कि हमने कभी नहीं देखा कि अ कोच मैं हमेशा अक्सर बोलता हूँ कि जिस तरह से uh, चक दे इंडिया में शाहरुख खान सर का कैरेक्टर था उस तरह से हमने फीमेल कैरेक्टर्स को नहीं देखा है जबकि देर आर अमेजिंग फीमेल टीचर्स एंड कोचेज एंड मैनेजर्स एंड बॉसेज एंड आई थिंक दैट इज़ वॉट यू नो वी हैव ब्रॉट अलॉन्ग विथ रॉन्जनीज कैरेक्टर हु इज़ अ कोडर तो आई थिंक यू विल ऑल्सो सी सम न्यू कैरेक्टर्स दिस सीजन एंड एन एंड वी आर होपिंग दैट दे फाइंड रेजिनेस व्यूअर्स आपको क्यों लगा कि बतौर एक्टर आपको इस सीरीज में शामिल होना चाहिए किसका आइडिया था तो, तो ये तो बहुत बहुत छोटा सा ट्रिविया और फनी स्टोरी भी है क्योंकि पहले पैसे नहीं थे हमारे पास तो ये तो पहला ऑब्जेक्टिव कारण है इसका तभी हमने सस्ते एक्टर्स को लिया <laughs> नहीं मतलब सस्ते नहीं ये लोग बहुत बिजी थे लेकिन आ, दे वर नाइस इनफ टू लाइक आवर स्टोरीज और बट तो ज़्यादा रिसोर्स नहीं था तो और दूसरा एक था कि एक मेरे अंदर था कि यार एक हाफ बॉल्ड एक्टर लेना चाहिए जो कि एक बड़ा यूनिक स्पेस है देर आर एक्टर्स जनरली उस समय की बात है अब तो हर तरह के लोग हैं हर तरह की पर्सनैलिटीज हैं तो या तो टू प्ले फुल बोल्ड या फिर देखो विलिंग टू प्ले बट ये हाफ बॉल्डिंग जो होता है ना और मैं इनसे मेरा कैरेक्टर इनसे उम्र में बड़ा है पांच बैच सीनियर है तो वो वाला एक था और वो फिर पैसा और मैं बोल्डिंग था ठीक है <laughs> <laughs> तो मैंने बोला चलो ज्यादा टाइम नहीं है ज्यादा वो नहीं है तो मैं ही कर लेता हूँ तो आई थिंक मतलब मेरे गंजेपन का थोड़ा फायदा हुआ और उसकी वजह से मैं कास्ट हो गया <laughs> ये हमारे लिए भी ट्रिविया है, <laughs> है। yeah. मुझे नहीं पता था ये <laughs> <laughs> मुझे भी <नहीं> ये नहीं पता फिर <laughs> 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 से स्टार्ट किया देन यू स्टार्टेड द सीरीज वो वक्त तो और अभी जब hmm. यहां पे काफी बड़े प्लेयर्स इस मार्केट में हैं क्या कुछ बदलाव आया है इस कंटेंट को लेके आई थिंक बहुत कुछ बदल गया थैंक्स टू द इंटायर मीडिया इकोसिस्टम आई थिंक आप लोगों ने सब ने इतना सराहा है ऑनलाइन कॉन्टेंट को कि हमें लगता है कि फिर उससे हमने शुरुआत वैसे करी कुछ भी वायरल होता था बहुत सारे लोग यू नो लिखते थे लोग बोलते थे बहुत अच्छा हो रहा है और उसके बाद टेक्नोलॉजी की वजह से इंटरनेट की वजह से फोर जी की वजह से लॉर्ड ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स यू नो जी फाइव दे ऑल लाइक यू नो दे लिटरली कहानियों को कहने का जो एक गेम है वो डेवेलप किया है इन्होंने और उसकी वजह से अब बहुत सारी कहानियाँ कही जा रही हैं एंड एंड दैट इज टच द बेस्ट थिंग दैट इज़ हैपन फॉर ऑल ऑफ अस एज एक्टर्स टेक्नीशियंस टेलर्स तो हम जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज आया कि बहुत पहले बहुत सारी कहानी कहना चाहते थे शायद नहीं कह पाते थे बट नाउ थैंक्स टू यू नो अमेजिंग प्लेटफॉर्म्स We are able to tell those and uh, तो अभी बहुत मस्तिदार है बहुत सारी कहानियाँ भी आती हैं इसकी वजह से तो उसमें हम अच्छा कहने का भी प्रेशर ज़्यादा है mm -hmm. but we just get good but, I think you know I think but uh, do's and don't जो पहले कहते थे उसमें से और अब कुछ पहले ज़्यादा मस्ती कर लेते थे मुझे लगता नहीं? <laughs> नहीं पहले थोड़ा प्रेशर कम होता था तो लोड नहीं लेते थे ज जितने कम लोग होंगे उतना उतना ज़्यादा फ्रीडम होगा। कैमरा बड़ा 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 हो गया, क्रू बड़ा हो गया गया क्रू तो वो प्रेशर भी एक डायरेक्टर था और एक लड़का आपका माइक लेके खड़ा था उन चार के साथ हमने बनाया हम चार ने बनाया और वो रिलीज हुआ सब मिला के चार लोग

यार एक तो स्क्रिप्ट और लोग बस इतना ही है अच्छा स्क्रिप्ट और अच्छे लोग पैसे अगर मिल जाए उसके बीच में अच्छे तो भी अच्छी बात है हाँ। but, but बहुत बार स्क्रिप्ट और लोग अच्छे हो तो पैसे देखे जा सकते हैं बट वही है तीन चार चीजें हैं उनमें से एक भी कोई बहुत अट्रैक्टिव uh, होता है तो यू नो स्क्रिप्ट रोल लोग नहीं अब yeah. मुझे लगता है ब्रांड्स कोई जैसे यू नो आई थिंक अब अब आप पिक्चर्स टू बना रहे हो तो इसमें हम कुछ भी नहीं देखेंगे exactly. तो ये yeah. तो हमारे लिए तो इसमें तो आप यू यू वोंट रियली यू नो यू विल गो फॉर इट अब पिक्चर्स थ्री बनेगा तो अब आप कुछ भी लिखोगे तो हम करेंगे वो <laughs> 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 तो तो इट्स लाइक दैट रेडी मेरे लिए भी मेरे लिए हमेशा से टीम रहा है आई थिंक इवन व्हेन आई वाज डूइंग टेलीविजन तब से ही मैं आई ऑलवेज लाइक टू वर्क विथ पीपल जो स्टोरी को पकड़ के चले वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए यू नो द स्टोरी कैन भी ग्रेट बट अगर टीम ढीली है तो फिर वो स्टोरी छोड़ देते हैं यू नो सो एंड दे कैन बी ओवर पावर्ड दे कैन बी समी एल्स कैन कमेंट एल दैम ऐसे करो वैसे करो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं सो फो मीट्स वेरी इट्स ऑलवेज बीन इम्पॉटेंट की जो टीम है वो बहुत पैशनेट है अबाउट टेलिंग द स्टोरी अ सर्टन वे एंड क्लैरिटी ऑफ दैट वो बस मतलब वो कभी बदला नहीं है थ्रू आउट ऑल मीडियम्स आई लाइक फॉलो दैट आपके साथ वो लॉयल फैंस आपके जो टीवी से आपके साथ है और अब वो फैमिली काफी बड़ी हो चुकी है 2023 को लेकर वो काफी excited है तो आपके आने वाले के बारे में अगर कुछ 2023 क्योंकि बहुत सारा काम किया है पिछले साल और फॉर सम रीजन सब कुछ एक साथ ही आ रहा है लकीली पिक्चर्स इज कमिंग आउट इन डिसम्बर बट है बहुत सारा काम है आई डोंट लाइक टू टॉक अबाउट माई वर्क बिफोर इट्स आउट बिकॉज वो जिंक्स हो जाता है सो आई टॉक अबाउट इट यू नो जब एक एक करके सब कुछ आएगा बट यू नो लाइक आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस कैरेक्टर ऑल्सो मेरा एंडेवर यही है कि मैं एज अ वूमन एज अ गर्ल ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करूँ जिसको आप एक थ्री सिक्सटी डिग्री सॉर्ट ऑफ सेंस से देख सको आई एम नॉट समबडी हु लाइक्स मतलब मैं सर्टन चीज़ों से दूर रहती हूँ ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिफिकेशन ज़्यादा मेकअप ये वो मुझे नहीं करना है बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि एंड ऑल्सो आई डोंट वॉन्ट टू बी डी ग्लैम आई डोंट वॉन्ट टू बी वन आर्टिस्ट जो मतलब बस कला की तलाश में घूम रही है और उसको और कुछ नहीं चाहिए आई डोट टू बी लाइक दैट ऑल्सो सो यू नो टू फाइंड दैट फाइंड बैलेंस वो मेरा जर्नी है इट्स माई पर्सनल जर्नी कि मुझे यू you नो know, कुछ इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग ढूंढना है एंड

मैं हमेशा अच्छा काम करने की कोशिश करूंगी सो डोंट गिव अप ऑन मी स्टे दिस क्विक रैपिड फायर ओके अब ऐसे स्टार्ट करेंगे और आंसर hmm. इस तरह से देंगे ओके okay. एक शब्द जो आप हर रोज हर वक्त बोलते हैं. सॉरी ओह oh, मैं हर रोज हर वक्त ब्रीथ ओह टू यू तू समझ रहा है <laughs> <laughs> और आल्सो यूज़ है मैंने 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 हां वो मुझे तो रिद्धि ने रियलाइज किया के करवाया मैं रियलाइज नहीं किया था वो कि मैंने कहा मैंने कहा मैंने कहा थैंक सर ये बहुत बार तो उनका सरकास्टिक ही होता है राइट <laughs> 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 <नहीं। laughs> एक ऐसी आदत जो आपके फैमिली फ्रेंड्स को बिल्कुल पसंद नहीं है आपके बारे में वहां से शुरू करो यार मुझे <laughs> मेरे फैमिली को नहीं।, नहीं पसंद है आई थिंक मैं सुबह छह बजे सोता हूँ आ तो आई थिंक ये और मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं सुबह 5 बजे जगू तो जागे होते बात टाइम ही बहुत अच्छी थी जिस तरीके से बात तो अरे इट्स द सेम फॉर मी सुबह वो, तो वो हुए अच्छा अगर उनका मूड होता है ना तो बहुत फोड़ते हैं लव और आप सेम फॉर यू सेम फॉर यू माय लाइक माय फैमिली वांट्स मी टू स्लीप अर्ली एंड राइट या आई थिंक मेरे लिए मैं थोड़ा लेट होती हूं तो मेरे मतलब वो मेरे फैमिली फ्रेंड्स फैमिली तो इतना नहीं बिकॉज़ फ्रेंड्स हैं और मेरे भाई भाई दे हैव एक्सेप्टेड विद दी स्टैंडर्ड टाइम एंड आई डोंट लाइक इट आई इट्स नॉट समथिंग आई एम प्राउड ऑफ बट हाँ थोड़ा लेट हो जाती हूँ मैं नो वेरी पंक्चुअल अन वो कैंप वाज वेलकम अस्क फॉर ओके एक ऐसी जिसने आपकी जिंदगी बदल दी ओ oh. सर झुकाओ काम करो जो हमारे के सीजन में ही था। मुझे बहुत सारी एडवाइस मिली है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी है बट एक चीज जो बदली है एक एडवाइस जो मुझे मिली थी आई थिंक व्हेन आई वाज मेकिंग शिफ्ट टेलीविजन और इसका तो वो था कि जीरो पे रहो जस्ट स्टेट जीरो वर्कड फॉर मी हमारी जगह पे आप जर्नलिस्ट होते हैं यहाँ पे तो खुद को एक ऐसा कौन सा सवाल है जो पूछते और कौन सा सवाल है जो बिल्कुल नहीं पूछते <laughs> अभी हम दोनों, आंसर दोनों ने आंसर दिया पहले तू ये बता नहीं। नहीं। तेर, तेरी फैमिली को तेरे वालों कौन सी चीज नहीं पसंद वो सुना नहीं मैंने शेड्यूल कुछ भी शेड्यूल होता है आ, मैंने जो बोला सबने वही चिपका दिया हां नहीं की बात कर रहे हैं मेरा क्या शेड्यूल यार काम नहीं भी होता तो भी लेट ही सोता हूं तो वो बुरी वो चीज हां ये तुम दोनों के लिए सवाल है कि हाँ। क्या सवाल पूछेंगे नहीं पूछेंगे हाँ। हाँ। कौन सा सवाल पूछेंगे कौन सा नहीं पूछेंगे? यार ये मत पूछो शादी कब होगी <laughs> और पूछ कुछ भी सकते हो आई थिंक मेरी तो शादी हो गई <laughs> 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 तो तो बस yeah. आपको सब सप... तो आई तो थिंक वो, वो एक पूछ? सवाल था <laughs> बट अब मेरे पास जवाब है उसका कि मेरी हो गई क्या सवाल नहीं पूछना चाहिए नहीं पास में एनीथिंग नो प्रॉब्लम हां एनीथिंग एनीथिंग जब आप hmm. आपके वर्क प्लेस पे जाते हो लाइक शूटिंग के जगह पे जाते हो पहली चीज आप क्या करते हो आई थिंक मैं तो थैंकफुल होता हूं मुझे लगता है कि एंड uh, एसेंशियली एक वर्क प्लेस जो जो काम आप करना चाहते हैं आपको जिंदगी वो मौका दे रही है करने का तो आई हैव इमेंस ग्रैटिट्यूड फॉर दैट बिकॉज़ कई बार बहुत मुश्किल होता है तो मुझे मैं तो वर्क पे जा रहा हूं तो मैं बहुत थैंकफुल फील करता हूं yeah. uh, पर आप पहली चीज़ क्या करते हो मैं मैं मेरे अंदर फीलिंग ही आती है मतलब कि हाँ सही है अच्छा है बहुत सब सही है टचवुड और और ऐसा कुछ फिलोसफिकल नहीं है ये बट आई थिंक हम सब जानते हैं कि हम जो कुछ करना चाहते हैं अगर हम यू नो वी शुड फील प्रिवेलेज इफ यू आर गेटिंग टू डू समथिंग दैट यू टू डू तो एवरी डे आई गो टू वर्क एंड आई फील हैप्पी अबाउट कि चलो यू यू नो नो एंड आई एम गेटिंग टू डू समथिंग दैट आई टू डू एंड

अच्छा लगता है कि हाँ मैं रिलैक्स रहता हूँ फिर क्या है सही है नहीं तो, I think, वो ताँग ताँग नहीं तो आई थिंक सीजन के टाइम पे हम लोगों का था लेकिन आई थिंक दिस टाइम मैं बहुत शर्मिंदा फील कर रहा था बिकॉज़ हम आसपास रहते हैं हम साथ जाने और हमेशा मैं लेटता और नवीन वाज़ ऑलवेज़ ऑन टाइम थैंक यू थैंक यू वैरू थैंक यू फॉर सेइंग दिस आरू

बैड बैड हेयर हेयर है। तो तो लाइक ऑफ़ आई 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 वुड फ्रेंच जो मैंने कल रात को ही ही बनाया था। नो, एम नाउ डिपेंडेंट ऑन इट्स हैव ऑल द टाइम। सो टेक्स मैं बहुत खुश कि बुक ईट

उस सब के पीछे एक्चुअली होता क्या है तो उसके पीछे बहुत बड़ी दुनिया है और जिसकी कहानी इंडिया में अभी तक किसी ने नहीं, नहीं बताई है जिस तरह से टी वी एफ ने बताई है तो आई थिंक द मेन रीजन फॉर मी माई रीजन वुड बी यू गेट टू वॉच एन द मोस्ट बेसिक रीजन टू वॉच एनी बोला म्म म्यूजिक फॉर इस म्यूजिक या फॉर यार इफ नथिंग यू हैव टू वाच पिक्चर सीजन टू फॉर वेवर बंदूक म्यूजिक एंड द वेiy ही शूट्स एंड द वेiy ही इज तो आई थिंक ही डिड दैट इन सीजन वन आल्सो जिसकी वजह से बहुत एक एक वो स्टाइलिश शो बन गया और इस बार आप वेवर वेवर सर का काम देख

थैंक यू सो मच कैसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच